हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ स्पेड्स में। दोस्तों देखिए, हम लगभग नंबर सिस्टम पूरा कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पूरा कर चुके हैं और दो चैप्टर हमारे लगभग कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है उन दोनों चैप्टरों के रिगार्डिंग तो प्लीज पहले आप वीडियोस देखें हमारी, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस मिलते रहे ताकि आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए सबसे पहली बात आती है कि डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव में, इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे हम इसे। एक तो पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं, यानी कि भिन्नें हमारी क्या होती हैं। देखिए अभी तक जो हम भिन्न पढ़े हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि हमारा जो भिन्न होता है वो क्या होता है, ए अपॉन बी, इतना हम लोग जानते हैं। ए हमारे लिए क्या होता है, अंश, यानी कि ऊपर का पार्ट हमारे लिए अंश होता है और नीचे का पार्ट हमारे लिए क्या होता है, हर। और अगर इंग्लिश में बोले तो ये होता है हमारा न्यूमिरेटर और ये होता है हमारा डेनोमिनेटर। सभी को क्लियर है? लेकिन इसमें कंडीशंस क्या होती थी, कंडीशन ये होती थी कि यहां पे जो हर है हमारा, यानी कि बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहां पर बी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है जितने भी होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, जितने भी होल नंबर्स हो, हमारे नेचुरल नंबर हुए इंटीजर्स, वो सभी अंश तो हो सकते हैं बट वो सभी हमारे हर नहीं हो सकते क्योंकि इंटीजर्स में हमारे में जीरो भी आता है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में हमारा जीरो भी आता है और जीरो कभी भी हमारा हर में नहीं आएगा। अभी तक तो सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन ए अपॉन बी होता है, अंश बटे हर, यानी कि न्यूमिरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, एंड उसका डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बट अगर एक बात बोली जाए कि अगर हम उसे समझें कि रियल में फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे हमें बताया जाता है कि जैसे कोई भी चीज है, कोई भी एक कंप्लीट चीज है और अगर उसे हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें तो वो उसके क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन हो जाते हैं। सपोज कोई भी है, जैसे एक बॉक्स है, इसको हमने तीन भागों में बांटा, तीन बराबर हिस्सों में, वन टू एंड थ्री, थ्री इक्वल्स पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करा है, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसके टू पार्ट्स को फिल किया, टू पार्ट्स को फिल कर दिया। ठीक है, टू पार्ट्स को फिल कर दिया। अब अगर हमसे कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए कितने पार्ट्स फिल हैं और कितने पार्ट्स फिल नहीं है, इसे हम दो तरह से फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। एक फ्रैक्शन क्या है हमारे लिए कि जो पार्ट भरे हुए हैं, यानी कि कितने पार्ट भरे हुए हैं, टू, कितने पार्ट खाली है, वन, लेकिन टू पार्ट्स कितने में से हैं, थ्री में से, और वन पार्ट कितने में से हैं, थ्री में से, यानी कि अगर वन पार्ट खाली है तो वो कितने में से खाली है, तीन में से, और अगर टू पार्ट्स फिल हैं यानी कि भरे हुए हैं तो वो कितने में से खाली हैं, कितने में से भरे हुए हैं, तीन में से। अब क्लियर हो रहा है कि क्या मतलब फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, इसे हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा कि इसे हमने, इसके हमने थ्री पार्ट्स को भर दिया, यानी कि इसके हमने थ्री पार्ट्स फिल कर देते हैं, थ्री पार्ट्स हमने इसके भर दिए हैं, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा कितने टोटल पार्ट हैं, टोटल पार्ट यानी कि फोर, और फोर में से कितने पार्ट भरे हुए हैं, तीन, तो यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, थ्री अपॉन फोर, किसका, भरे हुए भाग का।
भरे हुए भाग का, ये भी हमारा किसका है, भरे हुए भाग का। यहां तक तो सभी को क्लियर हो रहा है, ये हमारे बेसिक्स हैं जिसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, भरे हुए भाग का, और ये हो गया बिना भरे भाग का, बिना भरे या खाली भाग का। सभी को क्लियर हो रहा है, इसमें खाली भाग कितना रह गया, सिंपल सी बात है 1/4, यानी कि हमारे लिए क्या है, खाली भाग। सभी को क्लियर है कि हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर सभी जानते थे, लेकिन आखिरकार फ्रैक्शन में से किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो हमारा चैप्टर माफ कीजिएगा अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे लिए डेसिमल। देखिए डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। देखिए आखिर दशमलव होता क्या है, देखिए जैसे क्या होता है कि हमें काउंट करने के लिए हमें किन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, होल नंबर्स वैल्यू की। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई भी नंबर काउंट कर रहे हैं, कुछ भी काउंट कर रहे हैं, तो हमें होल नंबर्स वैल्यू की जरूरत पड़ती है। बट ये सभी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि ये सभी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक चीनी का बोरा है और इसका वेट है 15.68 kg, तो यहां पर अब हमारे लिए होल नंबर्स नहीं रह गए, क्योंकि होल नंबर्स काउंट करने के लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे पास 15.68 क्या आ गया, किलो, यानी कि चीनी का वेट कितना है 15.68 kg। तो इन्हें काउंट करने के लिए हम जिन नंबरों को यूज करते हैं वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल्स। आप सभी ने एक नाम सुना होगा, उसेन बोल्ट, सभी जानते होंगे कौन है, एक बहुत जबरदस्त रेसर है। लेकिन वो बात उनके अलग हो गई, लेकिन हमें जो जानना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि उन्होंने 100 मीटर को कितने टाइम में कराए, 9.58 में, इतने सेकंड में 100 मीटर को। तो इसका मतलब है कि हमने इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया है, डेसिमल में लिया है। ये हमारे लिए क्या हो गया, डेसिमल। बात समझ पा रहे हैं कि डेसिमल आखिर होता क्या है, डेसिमल नंबर्स क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेसिमल नंबर्स, इन्हें हम बोलेंगे डेसिमल नंबर। ये होंगे हमारे लिए डेसिमल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेसिमल क्या होता है, डेसिमल अगर हम एक अच्छी तरह से समझे बात को, कि डेसिमल जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक डेसिमल नंबर जो होंगे, डेसिमल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि उसका जो फ्रैक्शन है, उस डेसिमल के जो फ्रैक्शन बनने वाले हैं, उसके फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है, कहने का मतलब उसका डेनोमिनेटर यानी कि हर, क्या क्या हो सकते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000। इसका मतलब है कि डेनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तभी वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेसिमल। और ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, सपोज जैसे मैंने लिखा 5/100, ये हमारे लिए हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। बात को समझ पा रहे हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसका डेनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, या 1000 हो, या कुछ भी हो, लेकिन 0 हो और उसके साथ 1 हो, और वो हमारे लिए डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। और जब हम इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो 0.05, ये हमारे लिए डेसिमल नंबर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है, डेसिमल नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन आखिर होते क्या है। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल है, जैसे 111/1000, ये हमारे लिए क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। और इसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.01, ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर।
आपकी समझ में अब आ चुका होगा अच्छी तरह से कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है, आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक और टॉपिक है जो डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा मोस्टली पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस डेसिमल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, वो होता है हमारा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। देखिए जैसे नाम से ही पता चलता है कि पुनरावृत्त, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर रिपीट होगा, और वो कब रिपीट होगा, दशमलव में। कैसे, सपोज हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, जब 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होने वाला है, 0 आएगी, फिर यहाँ 0, 3 6 जाए 3, 2.0, 3 6 जाए 3, 2.0, 3 6 जाए 3, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबरों का रिपीटेशन चल रहा है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, 0.6, अगर नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बात को समझ पा रहे हैं कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न है और पुनरावृत्त दशमलव हो गया, तो हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गई, ये हमारे लिए क्या हो गई, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब देखिए इस पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, देखिए इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन होते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अब, क्योंकि अब हमें पता है, हमें एक क्वेश्चन दिया, हमें इसे बोला कि इसे शॉर्ट आउट करो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर बार कैसे लगेगा, तो 0.3 रिपीट हो रहा है 3 बार। अब जब जितने नंबर, देखिए इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नंबर डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उन्हें कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, जितने नंबर होते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने तो नीचे 9, और जिसके ऊपर बार है उसे ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, 1/3। इतना क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.676767 क्या रिपीट हो रहा है, सिंपल सी बात है, 67 तो 0.67 बार आ गया, इसे कैसे लिखेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे और पूरी संख्या को ऊपर, ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर, सभी को क्लियर हो रहा है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.3291 इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार दिया है इस बार, तो हम क्या करेंगे, 3291 को तो ऐसे लिखेंगे और नीचे कितने 9 1 2 3 4, क्योंकि 4 नंबर्स के ऊपर बार है, सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और एक मेथड है उसे और पढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आया हमारे लिए 0.18 बार, अब आप बोलेंगे कि यहां पे तो बार से फेंकना नंबर के ऊपर है, तो जितने नंबर के ऊपर बार है उतने तो 9 लिख लीजिए, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0, लेकिन पॉइंट के इधर ही रहना है, हमें इधर नहीं जाना, पॉइंट के इधर ही रहिए, राइट साइड ही, पॉइंट के लेफ्ट मत जाना। अब यहाँ पे आ गया कितना 8, हमने 8 की जगह क्या लिख दिया, जिसके ऊपर बार है 9 और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होते 0, अब टोटल कितना है 18, तो 18 जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसे माइनस कर देते हैं, सिंपल सी बात है, सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छा ये डाउट क्लियर हो हमारा, जैसे 0.576 लिखा हुआ है और 6 के ऊपर सिर्फ बार है, तो क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने तो 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, और 576 पूरा नंबर लिखेंगे और किसके ऊपर बार नहीं है 57 के, उसे माइनस करो, 16 में 7 को माइनस करेंगे 9, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 519/900। सभी को पता चल गया है कि अब किस तरह से हमें क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 0.1254, इसका मतलब यहाँ पे जो बार है वो इसके ऊपर है 54 के ऊपर, तो जितने के ऊपर बार है उतने तो 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 1254 को पूरा लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे 12, और जब माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा 1242 अपॉन
9900 और जावा में से शॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आएगा 69/550। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।